नमस्कार। जो 16 कलाओं के स्वामी हैं, जिनके एक अंश से इस अनंत ब्रह्मांड का जन्म हुआ है, जिन्हें वेदों ने लीलाधर कहा है, वो है भगवान विष्णु। विष्णु यानी विश्व विधाता। ये धरती भगवान विष्णु की प्रिय रचना है। यहाँ धर्म और न्याय की अलग जगाने के लिए प्रभु अद्भुत रूपों में वास करते हैं। और काठमांडू की ये धरती प्रभु का वो दिव्य धाम है, जिसकी धूल देवता भी माथे से लगाते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगभिर्ध्यानिगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जहाँ हिमालय का सौंदर्य इतना दिव्य हो जाता है कि धरती और स्वर्ग में कोई अंतर नहीं बचता, वो नगरी है काठमांडू। काठमांडू के पर्वत पर्वत पर पुराणों की गाथाएं अंकित हैं। ये वादियां ईश्वर की लीला स्थली है। कण कण में प्रभु हैं, खट खट में उनके रूप। श्री हरमन नारायण की इस धरती पर भगवान श्री राम बाणेश्वर के रूप में वास करते हैं। जो खट खट में रमते हैं, वही भगवान राम हैं, जिनके नाम की शक्ति से पत्थर भी पानी में तैर जाते हैं। ऐसे प्रभु राम की शरण में आना भव सागर से तर जाना है। ओम श्री रघुनाथाय नाथाय नमः। राम ही तारे राम बारे तेरे किए के फल पर ताणी राम ही सोचे। श्री राम मर्यादा का महानतम रूप है। उन्होंने अवतार लिया ही इसीलिए था कि संसार के सामने एक आदर्श रूप रख सके, जनमानस को सुख शांति और मुक्ति की राह दिखा सके। श्री राम जहाँ भी हैं, जिस रूप में भी हैं, उनकी एक झलक ही युगों युगों के कष्ट हरने को पर्याप्त है। पंछी पड़ा पिंजरे में से, समय है थोड़ा डगर। श्री राम भगवान विष्णु के सातवें अवतार हैं और इस राम मंदिर में मर्यादा पुरुषोत्तम राम, माता सीता और अपने भाई भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण के साथ विराजमान हो हम पर अपने आशीर्वाद की वर्षा कर रहे हैं। शुभ चिंतन श्री राम का, जब मन में आ जाए जीवन तब जीवन लगे मन मधुबन बन जाए। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भाए। जैसे सागर को उसकी लहरों से अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही श्री राम कभी देवी सीता और अपने तीनों भाइयों से दूर नहीं हो सकते। राम की लीलाएं इन सब के बिना अधूरी हैं। जहाँ राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और देवी सीता एक साथ विराजमान हो, उसी देवालय का दर्शन श्री राम का पूर्ण दर्शन। जहाँ राम है वही राम राज्य है। कहते ही राम के राज्य में न कभी दुख था न कलेश, चारों तरफ बस शांति ही शांति थी। राम की इस नगरी में आकर एहसास होता है जैसे समय युगों की सीमाएं लांघकर त्रेता युग में वापस लौट गया हो और हम राम की प्रजा और उनके भक्तों की तरह सुखी और निश्चिंत हो गए।
परमात्मा धरती पर उतर आए और आत्मा आकाश जैसी असीम हो जाए, वही तीर्थ है। भगवान विष्णु के इस तीर्थ में पग पग पर उनकी छवि है और घट घट में उनके रूप हैं। पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। काठमांडू ईश्वर की वरद भूमि है। नेपाल का ये सबसे पौराणिक और पवित्र नगर अपने आंचल में आस्था की अनेकों कथाएं छुपाए हुए है। शास्त्रों ने इस धरती की तुलना बैकुंठ से की है। कहते हैं धरती भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है और इसीलिए वो अपने अनेक रूपों में यहाँ वास करते हैं। नीलकंठ नारायण का एक ऐसा ही अद्भुत रूप है। जैसे दीपक और अंधियारा दोनों एक साथ नहीं रह सकते, वैसे ही नारायण की करुणा और जीवन के दुख दोनों का एक साथ होना असंभव है। जिस क्षण जगदीश्वर की कृपा बरसेगी, कष्ट और कलेश उसी क्षण मिट जाएंगे, यह निश्चित है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगभिर्ध्यानिगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। अकेला ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विश्राम मुद्रा में विराजमान हैं। शंख चक्र गधा और पद्म धारण किए भगवान विष्णु के ये दर्शन बड़े ही सौभाग्य से होते हैं। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। ॐ नमो नारायणाय नमः। भगवान विष्णु के चरण ही हमारी अंतिम शरण है। पूजनीय है जगदीश्वर के पांव जिनके स्पर्श से अहिल्या को जीवन मिला था। वंदनीय है उनके चरण कमल जिनके पांव से गंगा जैसी अमृत धारा प्रवाहित हुई थी। भजो रे मन सांझ सवेरे हरि नाम। भजो रे मन सांझ सवेरे हरि नाम। किसको खबर कब गिर आएगी, किसको खबर कब। हिमालय की इस देव स्थली में कई स्थानों पर अलग अलग रूपों में भगवान विष्णु के चरण पड़े हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का तो इस धरती से विशेष संबंध है। यही उन्हें अपनी जीवन संगिनी और शक्ति देवी सीता की प्राप्ति हुई थी। देवी जानकी का नगर जनकपुर त्रेता युग में इसी पुण्य भूमि पर हुआ करता था। श्री राम इस धरती पर कहीं अपने अनुजों के साथ वास करते हैं तो कहीं अपने पुत्रों के साथ। संसार में ये राम मंदिर ऐसा अकेला धाम है जहाँ प्रभु श्री राम अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन देते हैं। यहाँ लव और कुश अपने पिता के चरणों से लिपटे हुए हैं। मानो उन्हें भी एहसास हो कि इन्हीं चरणों में तीनों लोकों का सुख है।
लव कुश और श्री राम की ये मुद्राएं उस क्षण का संकेत देती हैं जब अपने सतीत्व की शक्ति से माता सीता धरती की गोद में समा गई थी। जो जीवन के सारे कष्ट हर लेते हैं शास्त्रों ने उन्हें ही हरी कहा है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने कहा था कि जो अनजाने में भी हरि का नाम ले ले तो तीनों लोगों की करुणा उस पर बरस जाती है। काठमांडू वेदों और पुराणों का तीर्थ है। यहाँ पग पग पर मंदिर हैं और हर मंदिर ईश्वरीय लीला का प्रतीक है। तीनों लोकों का ध्यान रखने वाले त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर इस पुण्य भूमि पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं। यहाँ भी उनकी कृपाएं सुगंध की तरह दसों दिशाओं में फैली हुई हैं। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जहाँ भगवान शंकर बसते हो वही सारी सृष्टि का केंद्र है। ये वो शिवलोक है जहाँ हर शिवालय कैलाश और सुमेरु जैसा पावन है। जहाँ भी प्रेम से भोलेनाथ का नाम लो वही उनका आशीष बरस जाता है। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मागरागाय महेश्वराय। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। भोलेनाथ के दर्शन किसी भी रूप में हो जाएं, हमारा जीवन सफल है। जय शिव शंभु। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मागरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय। भोले भंडारी के भंडार में कोई कमी नहीं है। हम जितना मांग सकते हैं उससे कहीं ज्यादा शिव हमें देने के लिए उत्सुक हैं। भगवान शंकर हर मनोकामना पूर्ण करते हैं, इसलिए उनके 1008 नामों में से एक है मन कामेश्वर। नमः शिवाय। जहाँ शिव है वहाँ शक्ति का वास तो होगा ही। इन पर्वतों पर एक तरफ मन कामेश्वर भगवान शंकर हैं, तो दूसरी तरफ मन कामना माँ आदि शक्ति। विष्णुमती नदी के ये तट देवी मन कामना का धाम बनकर धन्य हो गए हैं।
मां मन कामना मां आदि शक्ति भगवती का रूप है। वो यहाँ हर आने वाले भक्त की इच्छा पूर्ण करती हैं। हर मनोकामना पूर्ण करने वाली मां मन कामना को हमारा शत शत नमन है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। सर्व मंगल मंगल्य। देवी पुराण में लिखा है, अगर मांगना है तो माँ से मांगो, माँ सब कुछ दे सकती है। समय साक्षी है, देवता और गांधर्वों ने भी अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए माँ की ही चौखट पर दीप जलाए हैं। और जिसने माँ का द्वार रोशन किया है उसके जीवन में अंधेरा कैसे रह सकता है। जिसने हमें ये जीवन दिया है उसे भावना से बढ़कर और प्रार्थना से ज्यादा हम क्या दे सकते हैं। ईश्वर के चरणों में सर झुकाकर हमारा सर सदा सदा के लिए ऊंचा हो जाता है। यही प्रेम का पुण्य है, यही साधना की शक्ति है। निरंजन साधो भजले अलख निरंजन, अलख निरंजन साधो भजले अलख निरंजन। पावन होंगे ये तन और ये मन, अलख निरंजन पावन होंगे ये तन और ये। जैसे सागर की एक छोटी सी बूंद सागर का ही अंश है, वैसे ही आरती की एक छोटी सी लौ उस परमात्मा का अंश है जो करोड़ों सूरज से भी ज़्यादा प्रकाशमान है, जो हमारे अंधेरे लेकर हमें उजालों का वरदान देते हैं। धन्य है वो परमेश्वर, धन्य है उनका प्रेम। भक्ति योग में श्री हरि नारायण ने कहा है, धरती आकाश एक हो सकते हैं, नदी अपनी राह बदल सकती है, सूर्य की आग ठंडी हो सकती है, लेकिन सच्चे दिल से की गई प्रार्थना कभी अनसुनी रह जाए ये संभव नहीं। हमारी प्रार्थनाओं का ईश्वर के पास एक ही उत्तर है, तथास्तु। भगवान विष्णु के इस आस्था तीर्थ से अब हम विदा लेंगे। यात्रा के हर क्षण में हमारे साथ रहिए और विश्वास रखिए, परमात्मा परम जागृत है। वो युगों युगों से जाग रहा है ताकि हम सुख की नींद सो सकें। नमस्कार। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद दीप्ति भटनागर।